तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पे। दोस्तों, सभी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के महंगाई भत्ता और उसके एरियर को लेकर बहुत ही बड़ी खबर निकल कर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दूं कि सभी कर्मचारी और पेंशन भोगी अपने महंगाई भत्ता बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे हैं कि कब इसका अनाउंसमेंट होगा और कब उनके खाते में बढ़ी हुई डीए और डीआर का भुगतान किया जाएगा। ऐसे में दोस्तों, बहुत ही बड़ी खबर सभी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के महंगाई भत्ता और उसके एरियर को लेकर निकल कर आ रही है। दोस्तों, पूरी खबर को जानेंगे, उससे पहले आप इस वीडियो को अपनी तरफ से लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि आपकी लाइक ही हमारी मेहनत का फल होता है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दूं कि महंगाई भत्ता बढ़ाने पे जो देरी हो रही है उसके दो कारण सामने आए हैं। केंद्र सरकार ने किया है बहुत ही बड़ा खुलासा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दूं कि 5 राज्यों में चुनाव और सबसे बड़ा त्यौहार होली बीत गया है, पर सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को खुशखबरी नहीं मिल रही है। जी हाँ दोस्तों, कर्मचारी और पेंशन भोगी अपने बढ़े हुए डीए का इंतजार कर रहे हैं कि कब उसमें बढ़ोतरी होगी और कब इसका भुगतान किया जाएगा। ऐसे में दोस्तों, आपको बता दूं कि केंद्र सरकार आमतौर पे मार्च महीने में महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की घोषणा करती है, लेकिन मार्च महीना खत्म होने को आया है, उसमें केवल कुछ दिन बचे हैं। ऐसे में कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को खुशखबरी नहीं मिल रही है। जानकारों की माने तो महंगाई भत्ता बढ़ाने में जो देरी हो रही है उसके दो कारण सामने आए हैं। आपको बता दूं कि साल में 2 बार महंगाई भत्ता बढ़ता है, जनवरी 2022 से जून 2022 के महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी हुई है और कुल महंगाई भत्ता 34% हो गया है, पर इसका ऐलान अभी तक नहीं हुआ है। आमतौर पर महंगाई भत्ता की घोषणा मार्च में हो जाती है, पर इस महीने की जो बैठकें हुई उसमें कोई भी बड़ी खुशखबरी नहीं मिली। आखिर इसमें देरी का क्या कारण है? जी दोस्तों, इसमें पहला कारण है कैबिनेट नोट तैयार ना होना। जी दोस्तों, जानकारों के मुताबिक बड़ा कारण यह हो सकता है कि महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का कैबिनेट नोट अभी तैयार नहीं हुआ है। महंगाई भत्ते में कितनी बढ़ोतरी होगी और इससे सरकारी खजाने पर कितना असर पड़ेगा, इसका ब्यौरा इस कैबिनेट नोट में रहता है। साथ ही साथ आपको बता दूं कि इस बढ़ोतरी से कितने सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों का फायदा होगा, कितने कर्मचारियों और पेंशन भोगियों पे ये लागू होगा, इसका आंकड़ा कैबिनेट नोट में तैयार किया जाता है। इसके साथ ही साथ दूसरा कारण बजट प्रस्ताव को लेकर हो सकता है। जी दोस्तों, सरकारी कर्मचारियों का वित्त वर्ष फरवरी में पूरा हो जाता है, इसलिए उनकी टैक्स कटौती भी हो जाती है, फिर 31 मार्च को वित्तीय वर्ष की क्लोजिंग के चक्कर में काम बढ़ जाएगा, इसलिए इसमें देरी हो रही है। जी हाँ दोस्तों, जानकारों के मुताबिक कई बार केंद्र सरकार ने अप्रैल महीने में महंगाई भत्ता बढ़ाया है, हालांकि ऐसा देखा गया है कि मार्च में भी इसका ऐलान होता है, पर अभी मार्च खत्म होने में कुछ समय बचा है। ऐसे में केंद्र सरकार अगर चाहती तो हाल फिलहाल में इसकी घोषणा कर सकती है, इसके बाद राज्य सरकार अपने कर्मचारियों और पेंशन भोगियों का डीए बढ़ाएगी। तो ऐसे में दोस्तों, दो कारण है जिसकी वजह से महंगाई भत्ता में डिले हो रहा है।